जब आप कामयाब हो जाते हैं ईगोज बहुत बड़े हो जाते हैं, लोगों को लगता है कि मेरी वजह से शो चल रहा है, किसी को लगता है मेरी वजह से शो चल रहा है। हमें भी तो लोग आके कहते हैं अरे आप अपना शो क्यों नहीं शुरू करते, एंड यू आर राइट, आई मीन अ लॉट ऑफ शोज काइंड ऑफ रैप अप और चीजें खत्म हो जाती हैं ईगोज की वजह से। सुनील के साथ में डॉक्टर मशहूर गुलाटी और आप नर्स बनते थे उनके साथ में, वो जी मुझे जी लगता है कि एपिसोड्स आज भी जिंदा है, दोस्ती हमारी कमाल की रही है। हाँ तो बीच में ये जो ब्रेक आया तो इसमें हमारी दोस्ती पे नहीं हमारी बातचीत होती रहती थी। आमिर खान अब तक कपिल शर्मा शो में नहीं आए थे और वेरी फर्स्ट एवर, यही सवाल जो आपने अभी किया कि सनी देओल सर से कभी मुलाकात हुई, सेम चीज उन्होंने मुझसे पूछी थी, मुलाकात हुई तुम्हारी? Hi guys, this is Kiku Sharda. आप देख रहे हैं कनेक्ट सिने विद फरीदून, स्टे कनेक्टेड। अभी सुनील ग्रोवर से मेरी कुछ दिनों पहले मैंने उनसे मेरी बात हो रही थी, इंटरव्यू किया था मैंने उनका, तो मैंने उनसे पूछा कि अभी आप फिर से आप कपिल शर्मा शो में आप आ रहे हैं तो कैसे आप देखते हैं और जो भी सब कुछ हुआ पहले, तो उन्होंने कहा कि यार जो 6 साल पहले जो हुआ था वो बेसिकली एक पब्लिसिटी स्टंट था इस शो के लिए, नेटफ्लिक्स के शो के लिए, तो वही खैर उन्होंने तो रिपीट भी किया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने वही रिपीट किया। लेकिन मैंने जैसे आपको बताऊं, मैंने सुनील से मैंने भारत के टाइम पर भी मैंने उनसे इंटरव्यू किया था एंड मैंने उनसे बातचीत करी थी एंड ही सेड समथिंग एंड देयर वाज आई कुड सेंस दैट देयर इज अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी। मुझे लगता है लोगों को झगड़ों में बड़ी दिलचस्पी होती है। मेरा आपसे सवाल ये होगा कि मैंने बहुत से एपिसोड्स आपके जो देखे हैं, नाउ सर्टेन जो आपके और जो जो एक्टर्स हैं जो साथ में करते हैं, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा दे डोंट मे बी पुश द एनवेलोप दैट मच, स्पेशली विद कपिल। आपका ये है कि दैट यू टेक योर चांसेस इवन विद से व्हेन इट कम्स टू कपिल, आप मतलब ये है कि बेइज्जती कर मतलब मजाक में कर देते हैं पूरे तरीके से और वो भी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। ही हैज आई थिंक अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एज वेल, ही कैन रिस्पॉन्ड इन द सेम लाइट एज वेल। विद ऑल द एंटायर हिस्ट्री दैट हैज हैपेंड इन द शो, आपके लिए क्या आपका अप्रोच होता है, यू नो टू जस्ट बिकॉज जब आप कामयाब हो जाते हैं ईगोज बड़े बहुत बड़े हो जाते हैं, लोगों को लगता है कि मेरी वजह से शो चल रहा है, किसी को लगता है मेरी वजह से शो चल रहा है, बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी पॉपुलर शो, इट हैज बीन अ वेरी वेरी पॉपुलर शो फॉर मेनी ईयर्स। What is your approach like in terms of that you have to push the envelope in terms of taking your chances at the same time कि यार रिश्ते जो हैं वो बने रहने चाहिए? नहीं देखिए वो तो आप even if you talk about taking chances on screen, if you've seen me cracking some wicked jokes with Kapil on Kapil, तो वो बहुत कंफर्टेबल है उस चीज के साथ और ये मेरे ख्याल से एक रैपो है हमारा, ये हम इतने सालों से और वो मुझे जानते हैं, मैं मतलब बिल्कुल भी आई हैव लाइक अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर हिम प्योरली बिकॉज यू नो कितने लोग अब हमें भी तो लोग आके कहते हैं अरे आप अपना शो क्यों नहीं शुरू करते, आप ये वो, तो मैं भी उनसे मतलब मैं क्या कहूं, मैं खुद रियलाइज करता हूँ कि भाई ये जो 10-15 मिनट का एक एक्ट करते हैं, आई रियली वर्क हार्ड ऑन क्रिएटिंग दोस कैरेक्टर्स एंड यू नो क्रिएटिंग द ह्यूमर, बट द बैलेंस दैट कपिल हैज टू डू, नाउ कपिल हैज टू डू एन एंटायर एपिसोड, वो पूरा 1-1.5 घंटा हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विथ द गेस्ट, उसके अंदर यू नो दैट यू नो देयर इज अ सर्टेन लाइन यू कैन नॉट क्रॉस, यू गॉट टू बी ह्यूमरस एट द सेम टाइम, आपको एक बैक सीट भी लेनी है सर्टेन जगह पे, तो मेरे ख्याल से कपिल वो बहुत ब्यूटीफुली करते हैं, बहुत कमाल का करते हैं, ये काम आसान है नहीं, मतलब मेरा पॉइंट है कि ये काम उतना आसान है नहीं जितना दिखाई देता है, कभी कभी लगता है कि यार बातचीत तो हो रही है बट वो नहीं है, मतलब उसके अंदर आप ह्यूमर भी इंटैक्ट रखिए, ये भी रखिए और ये जो आते हैं ये इंटरेक्शन एंड सी, एंड आपने देखा ही होगा कि कितनी बार जब मैं आया हूं तो अगर मेरे पंचेज हैं तो वो चल रहे हैं, कपिल बैक सीट ले लेते हैं, वो तो कभी कभार पीछे सोफे के जाके खड़े हो जाते हैं कि आप करो, लाइक अगर हमारे दो कैरेक्टर का कोई एक्ट है यार, मैं और कृष्णा अगर सनी धर्म वो जो हम करते हैं वो अगर कर रहे हैं, आप कितनी बार देखो ही तो जस्ट बिकॉज ही इज लाइक द स्टेज इज योर्स नाउ, आई मीन गो अहेड एंड डू व्हाट यू डूइंग, सो अ मैन विद अटमोस्ट सिक्योरिटी कैन ओनली ऑफर यू दिस, सो आई एम कपिल इज मोर देन सिक्योर्ड इन हिज स्पेस एंड वी नो हाउ
सो आई मीन दैट्स द रीजन आई गेस वी बीन ऑन फॉर 10 years नाउ. 10 साल से ऊपर हो गए हैं. 2013 में शुरू हुआ ये सिलसिला और अब तक है. तो सबको पता है कि क्या हो रहा है एंड सब अपनी अपनी जगह पे एक्सेल कर रहे हैं. सो आई थिंक दैट्स अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन. एंड यू आर राइट, आई मीन अ लॉट ऑफ शोज काइंड ऑफ रैप अप और चीजें खत्म हो जाती हैं ईगोज की वजह से. हम हैं ना, हम अब 11वें साल में हैं ना, तो कोई तो बात होगी. एंड यू नो द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि दैट यू टेक योर चांसेस, बिकॉज आई एज अ व्यूअर आई डोंट वांट टू बी रॉब्ड ऑफ द फैक्ट दैट समवन इज जस्ट प्लेइंग लाइक अ सपोर्टिंग पार्ट एंड नॉट रियली कमिंग इनटू हिज ओन. यू स्टैंड आउट लाइक जैसे, और मुझे लगता है कि इसमें कपिल का भी एक क्रेडिटेबल बात है कि जैसे वो अनुभव सिन्हा और मनोज बाजपेयी वाला शो जो मेरा बड़ा पसंदीदा है कि दैट इन द सेंस यू वर द सेंटर स्टेज एंड ही लेट यू डू दैट. ही केम विद दिस नवजोत सिंह सिद्धू सिद्धू पार्ट एंड कृष्णा वॉज देयर एज वेल. बट वो एक आई थिंक कभी कोई सामने आता है, कभी कोई थोड़ा सा बैक सीट लेता है एक दूसरे को. आई थिंक जो एक फुटबॉल या हॉकी में होता है कि पास करना इंपॉर्टेंट है बॉल को, तो वो आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग है. बट आई एज अ व्यूअर डोंट वॉन्ट टू बी रॉब्ड. सो मुझे मेरा सिर्फ कहना वही था कि दैट यू होल्ड योर ओन विच इज रियली कमेंडेबल. सुनील के साथ में डॉक्टर मशहूर गुलाटी और आप नर्स बनते थे उनके साथ में, वो जी मुझे जी लगता है कि एपिसोड्स आज भी जिंदा है. मैंने ऑफ लेट मैंने बहुत देखे हैं और मुझे बड़ा मजा, मतलब बड़ा मजा आ रहा है उसको देखने, बड़ा मजा आता है. और अब सुनील फिर से वापस आए हैं कपिल शर्मा शो में. सुनील के साथ में कुछ अगर आप अपने सफर के बारे में बताएं, किस तरीके का एक आदान प्रदान रहता है. अरे मेरा तो हमारा सफर तो ये शो से भी पुराना है. मैं सुनील को बहुत सालों पहले, वो आई थिंक सहारा नाम का चैनल था, सहारा फिल्मी या सहारा कुछ, तो उस पे सुनील कोई शो किया करते थे. मैं उन दिनों से उनको जानता हूँ और हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है. और देवर टाइम्स में मतलब मेरे कोई भी बर्थडे पार्टीज, मेरे बच्चे के बर्थडे पार्टी और ये वो, सुनील इज ऑलवेज बीन अराउंड. तो हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है. अब ये तो खैर, हमने फिर ये काम करना शुरू किया साथ में एंड वी रियली इंजॉयड डूइंग ऑल दीज कॉम्बिनेशंस दैट वी डिड. मशहूर गुलाटी बम्पर, फिर एक वो रिंकू भाभी ननद वाला भी था. तो हमने बहुत ऐसे कॉम्बिनेशंस में किए हैं. गुत्थी पलक वाज द फर्स्ट वन दैट हैपेंड एंड द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैंने ये स्टेज ज्वाइन किया था इस शो को, तो तब मैं पलक बना था. और तब यही था कि गुत्थी का कैरेक्टर एस्टेब्लिश हो चुका था. आई केम इन अ लिटिल लेट, अ फ्यू एपिसोड्स लेट, तब गुत्थी का एस्टेब्लिश कैरेक्टर था. और उनको लगा कि यार कोई एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसमें ना एक पतली लंबी सी और एक गोल सा इंसान है, वो कॉम्बो दिखेगा अच्छा. और फिर दे हैड अप्रोच्ड मी एंड तो वो मेरा पहला ये था. एंड सुनील वॉज रियली सो स्वीट. एंड तो एक तो वो कलाकार बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं. मतलब जो चीज की मैं बात कर रहा हूँ ना कि हम कैरेक्टर बनाने पे जो मेहनत करते हैं और नुआंसेस ढूंढते हैं, वो काम सुनील ग्रोवर से बेहतर मैंने किसी को करते हुए नहीं देखा. वो जिस तरह कैरेक्टर क्रिएट करते हैं ना, तो आपको लगे मतलब कुछ कुछ कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर्स के आप ज्यादातर ही यू वोंट सी सुनील ग्रोवर इन दैट कैरेक्टर एट ऑल. आपको लगेगा कि वो वही इंसान है. अगर वो कोई बूढ़ा आदमी भी प्ले कर रहे हैं या फिर कोई लड़की प्ले कर रहे हैं, तो वो एक अलग ही दुनिया क्रिएट करते हैं उस कैरेक्टर की, विच इज सो कमेंडेबल. आई मीन आई वाइव मतलब नो क्वाम्स इन सेइंग कि सर्टेन थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम हिम. ही इज सो गुड विथ हिज क्राफ्ट. तो अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्ती हमारी कमाल की रही है. हाँ, तो बीच में ये जो ब्रेक आया, तो इसमें हमारी दोस्ती पे नहीं, हमारी बातचीत होती रहती थी. काम हमने फिर बहुत ज्यादा साथ में नहीं किया फॉर अ वाइल, बट इट्स सच अ प्लेजर टू हैव हिम बैक. एंड एज फार एज टैलेंट इज कंसर्न, इज अ फैबुलस फैबुलस टैलेंट. एंड मुझे कभी कभार ना यही लगता है कि अ टैलेंट लाइक दिस शुडंट गो वेस्टेड. बस उन्हें वो करते रहे जो वो कर भी रहे हैं और वो मल्टीपल चीजें कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द शो ऑल्सो. लेकिन आई रियली होप मतलब ही कीप्स शाइनिंग फॉर एवर. इज सच अ वंडरफुल टैलेंट. आमिर खान, मुझे लगता है कि इस लेटेस्ट सीजन में शायद आमिर खान भी आने वाले. हाँ जी, हाँ जी, मेरे ख्याल से आई थिंक ये लास्ट एपिसोड जो अभी टेलीकास्ट हुआ उसमें प्रोमो आ भी गया. आमिर खान का एपिसोड हम शूट कर चुके हैं आमिर सर के साथ, तो वो एपिसोड आएगा जल्द. और वो अब तक, मतलब आमिर खान अब तक कपिल शर्मा शो में नहीं आए थे. और जी नहीं, द वेरी फर्स्ट एवर, मतलब इमेजिन कीजिए 11 साल से शो चल रहा है, आमिर खान सर कभी नहीं आए, तो ये पहली बार है जब वो आएंगे. तो सच एन कैसा कैसा ऑनर. एक्सपीरियंस रहा.
कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एंड यू नो, एक टाइम ये था, आपको तो खैर पता ही होगा कि 90s में, मुझे याद है कि 90s में शायद निकहत काजमी साहिबा थी जो टाइम्स ऑफ इंडिया के क्रिटिक थी, शायद उन्होंने एक किसी अपने रिव्यू में कहा था कि दैट गोविंदा की जो कॉमिक टाइमिंग है वो अनमैच्ड है. वन पर्सन हु कम्स वेरी क्लोज सेकेंड इज दैट ऑफ आमिर खान. आमिर ने बहुत सी कमाल की कॉमेडी फिल्म करी है, चाहे इश्क हो जाए, दिल है, अंदाज और भी अपना काफी, अंदाज अपना अपना हो गया. तो ही हैज अ ट्रिमेंडस कॉमिक कॉमिक टाइमिंग ऑफ हिज ओन एज वेल. तो कैसा तजुर्बा रहा आमिर के साथ में शूट करने का? जी, पहले तो मतलब हमें पता ही नहीं था कि उन्होंने कितना शो देखा है, ये वो. तो शूट के जस्ट पहले हमारी एक बार उनसे मुलाकात हुई थी. ही एड मेरे ख्याल से वीडियोस आपने देखे होंगे, देयर वाज अ डिनर एट हिज प्लेस, एंड तो वहां पर उनसे मुलाकात हुई. और तो पता भी चला कि वो कितना उन्होंने फॉलो किया है हमें. उन्होंने बताए एपिसोड्स और ब्लाइंड डायलॉग के, वो पिछले कुछ महीनों में उन्होंने बहुत सारे एपिसोड. सो ही इज आई थिंक कम टू द पार्टी अ लिटिल लेट. ही इज बिजी, मतलब वो तो उनका जीवन तो या बिजीनेस तो है ही. बट ही टोल्ड अस दैट इन द लास्ट 1 ईयर ही सीन अ लॉट ऑफ एपिसोड्स ऑफ द कपिल शर्मा कपिल शो. शर्मा शो. सो या अ लॉट ऑफ एपिसोड्स, मतलब उन्होंने बैक टू बैक देखे, तो उन्हें काफी चीजें पता थी. और वो हमें डिस्कस भी कर रहे हैं. और ये यही सवाल जो आपने अभी किया कि सनी देओल सर से कभी मुलाकात हुई, सेम चीज उन्होंने मुझसे पूछी थी, मुलाकात हुई तुम्हारी? बोला नहीं, मतलब मुलाकात हुई सर, लेकिन. तो यही बातें. सो ही वॉज वेरी, ही जेन्यूनली वॉज वेरी हैप्पी कि यू नो दिया, आई मीन एज यू सेड, को स्प्रेडिंग हैप्पीनेस. एंड ही सेड कि मुझे बड़ी खुशी हुई है, मैंने बहुत वक्त, आखिरी कुछ 8-10 महीनों में मैंने ज्यादातर आपके एपिसोड्स देख लिए हैं और मुझे बड़ा मजा आया है. सो दिस इज द टाइम व्हेन ही ऑफर्ड टू, यू नो, ही अग्री टू कम ऑन टू द शो समहाउ. आई मीन आई डोंट नो व्हाई ही नेवर केम. उनकी इतनी फिल्में भी आई, फिल्मों के प्रमोशंस, प्रमोशन जैसे आपको पता है वो कम ही करते हैं, वो जाते नहीं है कहीं पे. तो फिर मतलब वी वर लकी टू हैव हिम. एंड ऑब्वियसली एज यू सेड, हिज सेंस ऑफ ह्यूमर इज इमैक्युलेट. वो बड़े कमाल के आर्टिस्ट हैं और इंसान है. और शो पर भी बड़ा मजा आया. तो उनकी, अब जो आप एपिसोड देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां सुनाई हैं उन्होंने, वो आप एपिसोड में एंजॉय करेंगे. आप ट्रस्ट मी दैट एपिसोड इज गोइंग टू कम आउट सून. और इट वाज वंडरफुल टू हैव हिम ऑन द शो. एंड ही इज अगेन अ वेरी वेरी, मतलब वो दिल वाले बंदे जो होते हैं ना, पूरा दिल से फंक्शन करते हैं और बड़े प्यार से बहुत किस्से कहानियां सुनाकर गए हैं हमें, जो आप अभी एपिसोड में देखेंगे. इट वाज वी हैड अ ग्रेट टाइम.